अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रौनक बाज़ार आज बना रहा है व्लॉग। व्लॉग बना रहे हैं हम अपने घर से, और व्लॉग बनाने की रीज़न ये है कि हमारे व्यूअर्स हमसे पूछ रहे थे कि काफ़ी दिन से आपने मार्केट से कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो उसके लिए हम आपको रीज़न बता रहे हैं कि हम वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि हमारे बच्चों के हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, अभी ओरल एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल मिला हुआ है, और एक एक दिन में दो दो तीन तीन ओरल हो रहे हैं जो बच्चों ने रेडी करने होते हैं। तो तकरीबन जो है बच्चों का बहुत लुक आफ्टर करना पड़ता है, यू नो अबाउट दैट। देखें तनीषा और रज़ा को। रज़ा, तनीषा अस्सलाम वालेकुम करो। रज़ा कैसा फ़ील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? ठंड के मारे गला ख़राब हो रहा है। और एग्ज़ाम के बारे में क्या ख्याल है? फुल मज़े। मिट्टा में मैं तो आप बोल रही थी फुल पक्की आएगी, ये आधा आधा चैप्टर दे रहे हैं, उस आधे चैप्टर में सिर्फ डेफिनेशन और वैनिला ब्लैंक्स। बेटा जब याद होता है ना तो फिर बंदा ऐसी बातें करते हो, जब याद नहीं होता है ना तो फिर बंदा वो वाली बातें करता है, हाय रब्बा ये टीचर ने क्यों दे दिया मेनू, मेनू तो आ रहा ही नहीं है। हाँ, इन्होंने किए थे स्टार टेस्ट की वजह से इनकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई, और अब क्योंकि याद किया हुआ है तो इसीलिए जो है ना वो जल्दी जल्दी याद हो रहा है। अब ये बताते हैं, अच्छा ये सेमेस्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है, रजा बता रहे हैं। तनीषा आपकी क्या फीलिंग आ रही है? मुझे बहुत अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। देखें जी, तनीषा को तो आ रही है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़्यादा फीलिंग, क्योंकि तनीषा को जो है ना वो मुझे लगता है रजा के मुकाबले में थोड़ी हल्की पतली सी तैयारी है। क्यों, क्या ख्याल है तनीषा? थर्टीन का टेबल नहीं आता और 12 का टेबल नहीं आता तनीषा को, जो कि तनीषा अभी रेडी करने की कोशिश कर रही है। सेकंड सब्जेक्ट में मिले 14 तक टेबल और रीडिंग और डिक्टेशन मैथ के अंदर समझ नहीं आया कैसे रीडिंग, आपको अगर बताओ रीडिंग और डिक्टेशन मैथ के अंदर कैसे होती है तो वो बताइएगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता। हाँ भाई, रज़ा और तनीषा को थोड़े थोड़ा आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से स्टडीज आपको पता है बिल्कुल टोटली डिस्टर्ब हुई हुई हैं। अभी गुंडा लेवल स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोग इनके लिए प्रे करिएगा और मम्मी के लिए भी थोड़ी सी प्रे करिएगा कि मम्मी इनको अच्छे से तैयारी करवा दें, क्योंकि ये पकाते बहुत ज़्यादा है। मम्मी को आप लोगों की प्रे की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ताला हमें आपसे पूरी उम्मीद है आप हमारे लिए प्रे ज़रूर करेंगे, प्लीज़। और तनीषा के लिए तो ज़्यादा। तनीषा अपना ड्रेस दिखाओ, ये तनीषा ने आज नया ड्रेस वेयर किया है जो कि इसकी आनी ने इसको स्टिच करवा कर दिया था, ये लीलन का ड्रेस है और आज पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आई रियली लाइक इट वेरी मच। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा भी तनीषा की बहुत ज़्यादा स्टिचिंग होकर आई है उसकी आनी की तरफ से, जो कि हम आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। तो आप सब इनके लिए स्पेशल प्रे करिएगा, और जब तनीषा थोड़ा सा फ्री हो जाएंगी तो फिर हम आपको वो वाली स्टिचिंग भी दिखाएंगे जो इनकी आनी की तरफ से इनकी विंटर कलेक्शन आई है स्टिच होकर। तो सब अल्लाह हाफिज़ कर दो फिर दोनों, इधर मुँह करके बेटे प्यार से करो, चलो ठीक है जी, अब अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों को बताते हैं, ये व्लॉग बनाने का तो मकसद ही सिर्फ ये था कि आप लोगों को ये बता दें कि अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं, इसीलिए हमारा शेड्यूल जो है वो ज़रा आउट हुआ हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम जैसे ही फ्री होते हैं तो आपको मार्केट से फुली अपडेट करेंगे, और जो प्रोडक्ट भी हमारे पास आ रही हैं हम उनके बारे में भी आपको फुली अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।